नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टिकटॉक बैंड इन इंडिया और उसके साथ में 59's और चाइना ऐप को बंद कर दिया गया इंडिया के तरफ से। आज बात करेंगे टेक्निकल गुरुजी मतलब गौरव चौधरी जी के बारे में। गौरव जी हमेशा टिकटॉक के खिलाफ बात किया है, हमेशा ही चाइना ऐप के अगेंस्ट में बात किया है, चाइना के खिलाफ जो चाइना आइटम्स यूज़ ना करने का, उसको बहिष्कार करने का जो मुहिम चल रहा है, इसमें जो 59's चाइना ऐप को बैंड कर देना, ये बहुत बड़ा शुरुआत है। हम सभी भारतवासी को खुश होना चाहिए, बट कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में अभी रोते हुए चेहरा दिखाई दे रहे हैं, बट उनको समझना चाहिए ये बहुत बड़ा कदम है बैंड ऑफ चाइना आइटम्स। चलिए बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी यानी कि गौरव चौधरी जी के बारे में। इन्होंने अपना ज्ञान के बदौलत YouTube जगत में काफ़ी धूम मचाया। टेक्निकल से जुड़ी हुई कुछ भी बातें इनसे नज़रअंदाज बिल्कुल ही नहीं होता है। गौरव चौधरी का जन्म 7 मई 1991 में अजमेर राजस्थान में हुआ है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट थे और क्लास में हमेशा टॉप करते थे। इनको बचपन से ही कंप्यूटर से बहुत लगाव था और 5 साल के उम्र में ही ज़िद करके अपने पिताजी से कंप्यूटर खरीदवा लिया अपने घर के लिए और कुछ नया सीखने का कोशिश करते थे हमेशा। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा नंबर के साथ टॉप करने के बाद फिर उसके बाद उनका ध्यान टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाने लगा। इसी बीच उनका बड़ा भाई ने दुबई में बिजनेस शुरू किया, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट, उनका पिताजी का कार एक्सीडेंट में कोमा में चले गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, 12th में अच्छे नंबर से पास हुए। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए सोचे, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कंप्लीट किया। उसी बीच उनका पिताजी का भी देहांत हो गया। मुश्किलों में रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी सारे रिमोट कंट्रोल डिवाइस बनाए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपना भाई के साथ दुबई में शिफ्ट हुआ, जहां उनका भाई बिजनेस कर ही रहा था। वहां पे जाके उन्होंने और पढ़ाई करने का सोचा। बिट्स पलानी दुबई कैंपस में एमई कंप्लीट किया और वहां पे भी टॉप किए। उन्होंने अपना कामकाज के साथ साथ ही 2015 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया टेक्निकल गुरुजी, जो कि बड़ा ही सक्सेसफुल टेक चैनल के तौर पर सामने आया और अपना मेहनत और लगन से इंडिया के टॉप टेक्निकल चैनल में गिना जाते हैं। अभी तक 17 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ अभी भी लगन और मेहनत के साथ काम किए जा रहे हैं। थैंक यू गौरव जी आपका मेहनत और लगन को। चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं ड्राइंग के ऊपर कुछ बात करते हैं। कभी भी पोर्ट्रेट बनाना है, पोर्ट्रेट बनाने के लिए काफ़ी सारे तरीका हैं, जैसे कि फ्री हैंड बना सकते हो और ग्राफ करके भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने फ्री हैंड आज ड्राइंग बनाया। फ्री हैंड में हमेशा जो स्टार्टिंग में आपको जैसे कि आप कहीं से भी शुरुआत करें तो उसको हमेशा नज़दीकी रिलेशन बनाते बनाते आपको डेवलप कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जैसे मैंने पहले आग बनाया, आग के साथ साथ नज़दीकी शेडिंग रिलेशन के साथ ही आगे बढ़ना है। जैसे आग बनाया, आग के साथ हमें जो आईब्रोज का कितना डिस्टेंस है, हम पेंसिल से थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट करके, जैसे जो ओरिजिनल हम जिसे देख के हम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा मार्किंग मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉपी में है तो कॉपी में उसका कितना डिस्टेंस है, अगर स्केल सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेजरमेंट यहाँ पर है उतना ही मेजरमेंट हम अपना ड्राइंग बुक में यूज़ करेंगे और उसी तरह डेवलप करेंगे। अगर स्केल छोटा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि वो रिड्यूस कर देंगे, जैसे 1:2, 1:3 इसके हिसाब से। और जब भी आप धीरे धीरे आप जितना पोर्ट्रेट बनाते जाएंगे वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो रिलेशन ढूंढने का जो क्षमता है वो निखारता जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक बात,
चलिए दोस्तों कुछ बात करते हैं टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक जब भी हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं टिकटॉक हमें दोस्तों अपने ज़िंदगी में ये टिकटॉक ऑन ऑफ वाला सिचुएशन नहीं चाहिए। चाइना वालों आपको टिकटॉक मुबारक हो, इंडिया को नहीं चाहिए। और जो लोग टिकटॉक के लिए रो रहा है तो उनको बारे में हम सोच ही सकते हैं किस किस्म का किस मेंटेलिटी का इंसान है। और हमारा जो हुनर है हमारा जो टैलेंट है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, खाली टिकटॉक ही नहीं है, सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, उसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही ऑल ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।